सबके माध्यम से महाशिवरात्रि की पूरे जम्मू कश्मीर यूटी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और भोले बाबा के जो भक्त हैं पूरी दुनिया में उन सबको बधाई देता हूँ। 3 दिन का मेला हर साल की तरह आज शुरू हो गया है। कुछ चेंजेस करने की कोशिश की गई है, जैसे आपने देखा कि आज भगवान शिव की बारात और फिर उनका माता के साथ विवाह, और अब भगवान शिव यहाँ से माता को अपने साथ लेके होली केव की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये एक कोशिश थी कि भगवान शिव की शादी की जो खुशी हम मनाते हैं उसको डिपिक्ट किया जाए। उसके अलावा भजन हमारे यहाँ के जो मशहूर सिंगर हैं लहरी जी, चमन लहरी जी, वो 3 दिन लगातार करते रहेंगे। आपने जंगम भी देखे, जंगम यहाँ पे भगवान के शिव विवाह के मंत्र यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ऊपर भी पढ़ेंगे, और भारी संख्या में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिव भगत आएंगे, अपनी यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस बारी हमने ट्रैक को नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर किया है। आपको दिखा होगा, मैं कल स्वयं गया था पूरे ट्रैक पे, मैक्सिमम लोगों ने कपड़े के लिफाफे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जो कमी पेशी रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उसको कैसे बेहतर किया जाए। और शिवरात्रि के अलावा जो भगवान शंकर की यहाँ की शिवखोड़ी की गुफा की यात्रा है उसको कैसे उत्तम बनाया जाए और लोग भगवान से अपनी मनोकामना लेके आए और यहाँ से खुश होकर जाए। उपराज्यपाल जी ने हमें कहा था उसके बारे में, जो बेसिक सर्वेज हैं वो हो गए हैं, उसमें अब जो उसके टेक्निकल पार्ट्स की बातें जो हैं उसके लिए टीम्स काम कर रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी ही हेलीकॉप्टर सर्विस कटरा से शिवखोड़ी के लिए चलेगी और लोगों का फायदा होगा। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं MH1 उनको लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। हम अपनी वेबसाइट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, एक सीमलेस एफर्टलेस दर्शन जो लोग नहीं आ सकते अपने घर बैठ के करें, वो उसके ऊपर चर्चा MH1 से हो गई है। वेबसाइट के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कैसे लोग दर्शन कर सकें भगवान शंकर जी के। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे मैंने कल एक व्यक्ति देखे जो फिजिकली चैलेंज थे लेकिन वो दर्शन करने जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी उपयुक्त सुविधाएं कैसे बनाई जाएं ताकि वो लोग भी आके अपनी मनोकामना अपने इष्ट अपने देव के दर्शन कर पाएं। उसी उम्मीद है, और भगवान शंकर ही चला रहे हैं आज और आने वाले दिनों को भी, और वही हमेशा चलाते हैं, डोर उनके हाथ में है, जितनों को बुलाएंगे वो सब दर्शन करके जाएं। तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि मेहनत रंग लाई ना लाई, हम तो अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।